नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों तक आप लोगों से मिल नहीं पाई, आप लोगों के लिए कोई रेसिपी वीडियो नहीं ला पाई, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी फिलहाल ठीक नहीं है। करीब 25 दिन हो गए हैं, खांसी की तकलीफ है, इलाज चल रहा है, पर धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। आज ये जो वीडियो है, आज ये बहुत अर्जेंट था, इसलिए आज तबीयत ठीक नहीं होने पर भी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय होते हैं, भारतीय पौराणिक काल में होते थे और आयुर्वेद के अनुसार वो उपाय किए गए थे हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और धरती के सबसे नजदीक होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की किरणों का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है और चंद्रमा की किरणों से कहते हैं कि आज की रात को अमृत बरसता है। तो अमृत बरसना एक कहा जाता है कि अमृत बरसता है, लेकिन चंद्रमा की किरणों में आज की रात जो औषधीय गुण होते हैं वो हमारे कुछ खाने पीने की चीज़ों में अगर हम लें और फिर उसका सेवन करें तो उससे बहुत सी तकलीफ मिटती है। तो आज मैं आपके लिए वही चीज लेकर आई हूँ, आप फटाफट से ये वीडियो देखिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। आज रात को आपको ये काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है वो बताती हूँ। अब ये सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, ये जो गोला, नारियल का गोला या गोटा जिसे बोलते हैं, तो इसके हमें एक गोले के दो हिस्से करने हैं। दो हिस्सों में से हमें कोई भी एक भाग काम में लेना है, एक टुकड़ा। आप चाहे ये लें चाहे ऐसा लें, कुछ भी, मैं ये ले रही हूँ क्योंकि ये फिर रखने में आसानी होगी। इसको भर के पहले तो लूँगी मैं काली मिर्च, वही काली मिर्च जो हम मसालों में काम में लेते हैं, काली मिर्च। इसको भर लेना है इसे इस तरह से, ये भर दी, और इसको चांदी के बर्तन में डाल रही हूँ। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको चांदी का बर्तन ही लेना है। कांसे का अगर आपके पास है, कांसे का बर्तन, तो वो भी ले सकते हैं, पर चांदी का सबके साथ जनरली मिल जाता है सबके पास, इसलिए मैंने लिया है। ये ले लिया। दूसरा जो आइटम है इसमें डालना हमें, जो पदार्थ है हमारा, वो है ये देशी खांड। तो आप यहाँ देशी खांड की जगह मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। देशी खांड से भी मैं इसी गोटे को फिर से भर दूंगी, जितना हमने काली मिर्च भर के लिया था तो उसी से मैं फिर से इसको देशी खांड से भर दूंगी। अच्छी तरह से दबा के भर लें इसको। ये एक अमृत रसायन कह सकते हैं इसे, दिव्य रसायन है, इसके बहुत फायदे हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी इसकी जानकारी दे दूंगी कि क्या इसके फायदे हैं। अभी इसे भी मैं इसमें खाली कर दूंगी, ये इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने वही नारियल का गोला फिर से ले लिया है। घी मेरा ये घर पे बनाया हुआ गाय का घी है, आप भी गाय का घी ही लें, शुद्ध गाय का, देशी गाय का घी, और उससे मैं इस नारियल के इस गोले को भर रही हूँ। नारियल के गोले की कटोरी कह सकते हैं इसे। मैं घी पिघला के लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, बिना पिघलाए नहीं लें। और ये अब मैं इसमें खाली कर रही हूँ इस तरह से। कहते हैं कि दमे की शिकायत भी इस अमृत रसायन से ठीक होती है, और मुझे पिछले दिनों से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सोचा इस बार ये करके देखती हूँ। मुझे इसकी जानकारी करीब 3 साल पहले इस अमृत रसायन की जानकारी हुई थी कि किस तरह से बनाया जाता है ये, तो 2 साल तो मैंने बनाया था, तब वीडियो लेना भूल गई थी। इस बार सोचा कि पहले ही सारी तैयारी करूँ और आप लोगों को भी इसकी जानकारी दूँ, इतनी अच्छी चीज़ है तो सबको पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से, ये हमने देशी खांड, काली मिर्च और घी अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब क्या करना है कि ये जो हमने ली थी नारियल की कटोरी, उसी में फिर से घी भर देना है, वही लेनी है कटोरी, इसको छोड़ना नहीं है, फिर से इसमें घी भर देना है और इसे इस तरह से इसके बीच में रख देना है। तो अब ये जो हमारी प्लेट तैयार हो गई है, चांदी की प्लेट, इसे हमें आधी रात से, मतलब रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक
चंद्रमा की रोशनी में रखना है हमें, सुबह 4 बजे इसे आप लेके आ जाएं। और उसके बाद इसका क्या करना है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी, तो आप कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और इसका ये जो दूसरा हिस्सा है गोटे का, इसको आप किसी भी दूसरे काम में ले सकते हैं, इसका हमें आधा ही हिस्सा काम में लेना है। तो मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है कि अमृत रसायन शरद पूर्णिमा के दिन आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, मस्तिष्क इससे बुद्धि चातुर्य बढ़ता है, इससे मस्तिष्क की कोई बीमारी हो जैसे माइग्रेन वगैरह की किसी को शिकायत हो वो ठीक होता है, और रोशनी आँखों की रोशनी इससे बढ़ती है, दमे की शिकायत भी इससे ठीक होती है। तो इसको कैसे सेवन करना है, बाद में इसका कल सुबह क्या करना है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। अभी इसकी तैयारी फटाफट से कर लीजिए, आपके पास जो सामान नहीं है सभी किराने की दुकान पे मिल जाएगा सामान। चांदी का बर्तन तो होता ही है हर घर में, छोटा है तो छोटा ही सही, जो भी है आपके पास काम में लें। और आज शरद पूर्णिमा की रात में आप इस तैयारी को करें, इस जो हमने रसायन तैयार करना है हमें अमृत रसायन, इसे तैयार करके आज रात को आप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में रखें, और कल मिलेंगे इसके उपयोग की जानकारी के बारे में। और कल अगर थोड़ी मेरी बोलने जैसी स्थिति हुई तो मैं आपको इसकी और भी जानकारी दूंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।